नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको जुलाई की पेंशन आपके खाते में जमा होगी या नहीं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ी खबर पेंशन भोगियों के पक्ष में आ रही है। दोस्तों, सारी खबरों को जानेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है कि सरकारी जो पेंशन भोगी हैं, अगर उनके वेतन और पेंशन में देरी होती है तो ऐसे में सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। जी दोस्तों, यहां पे आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेंशन भोगियों की जो पेंशन मिलती है उसको उनकी मेहनत का नतीजा बताया है। ऐसे में दोस्तों, उनको समय से पेंशन मिल जानी चाहिए, जो उनका एरियर बनता है वो मिल जाना चाहिए। जी दोस्तों, बहुत सारे जो पेंशन भोगी होते हैं वो एरियर के इंतजार में जो है अटके रहते हैं, उनको एरियर समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसे में दोस्तों, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेंशन भोगियों की जो पेंशन होती है उनकी मेहनत का फल होता है, वो सालों सर्विस करते हैं उसके आधार पे उनकी पेंशन मिलती है। ऐसे में दोस्तों, पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है। अगर देरी होती है तो ऐसे में दोस्तों उन पेंशन भोगी को ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, जुलाई की जो पेंशन है, बहुत सारे पेंशन भोगियों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है, तो ऐसे ही पेंशन भोगियों की जो पेंशन है नहीं आने वाली है। जी हां दोस्तों, जितने भी डिफेंस की पेंशन भोगी हैं, अगर उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, तो उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं जमा होगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है ORP 2 एरियर को लेकर। जी हां दोस्तों, ORP 2 एरियर की जो असली वाली ORP एरियर है उसकी सुनवाई आज होने वाली थी, आज की डेट में लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों आज उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और उसको चैम्बर में डाल दिया गया है। यानी कि दोस्तों बहुत ही जल्द इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले बता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपनी तरफ से जरूर कीजिए।